बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष महोदय, सीएलपी के लीडर साहब, यहाँ उपस्थित एमपीज और एमएलएस, विधायकगण, मित्रों और मीडिया के प्रतिनिधियों, सबसे पहले तो मैं बहुत अफसोस जाहिर करना चाहूँगा कि एक बार फिर ये प्रदेश और आसपास का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है और अनेक लोगों की, कितने 167 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कैसे सारा भूभाग जलमग्न था, नदियां उफान पर थीं और ये लगभग हर साल ये घटना घटती है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है और मुझे विश्वास है कि यहाँ की लोकल सरकार और भारत की सरकार, क्योंकि डबल इंजन सरकार यहाँ पर है, तो डबल इंजन की सरकार मिलकर जल्दी ही इस समस्या का निदान ढूंढेगी और आप लोगों को इससे मुक्ति मिलेगी। मुझे गुवाहाटी आकर बहुत खुशी हो रही है और वो इसलिए नहीं हो रही है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उसके लिए समर्थन मिल रहा है, उसके लिए तो खुशी हो ही रही है, लेकिन इस बात की भी खुशी हो रही है, जैसे हर बार जब हम गुवाहाटी आते हैं तो खुशी होती है कि सारी समस्याओं के बावजूद यहाँ के लोग जिंदा दिल हैं, हिम्मत वाले हैं और हिम्मत से हर कठिनाई का मुकाबला करते हैं। आपने भव्य स्वागत किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने समर्थन का भरोसा दिलाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन देवियों और सज्जनों, ऐसे तो राष्ट्रपति का चुनाव आता है जाता है हर 5 साल पर और लोग खड़े भी हुए हैं और चुनाव भी हुआ है। इस बार का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? अभी इसी मन से कहा गया कि राष्ट्रपति की भूमिका, वो संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं लेकिन राष्ट्रपति की भूमिका संविधान के अनुसार सीमित है। उनको जो भी करना है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस से करना है, तो फिर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर? इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार का चुनाव कुछ विशेष हो गया है और वो विशेष इसलिए हो गया है क्योंकि परिस्थितियां बहुत विशेष हो गई हैं। इस देश में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हर प्रदेश में एक असाधारण सी स्थिति बनी हुई है। मेरा मन जाता है आज से कितने साल पहले, 45-46 का जो वर्ष था, जो आप में से हमारे जैसे सीनियर लोग होंगे उनको कुछ कुछ याद होगा, बाकी लोगों ने उसके बारे में शायद पढ़ा होगा। द्वितीय महायुद्ध खत्म हुआ था 45 में,
भारत में आजादी का आंदोलन तेजी पकड़ रहा था और कुछ कारणों के चलते देश में सांप्रदायिक तनाव था जो बाद में दंगों के रूप में भड़का, बहुत लोग मारे गए, यहां तक कि देश का बंटवारा हो गया। और उसके बाद जो लोग उस तरफ थे उसमें से बहुत से लोग इस तरफ आए, जो इस तरफ थे उसमें से बहुत से लोग उस तरफ गए। एक अजीब सी परिस्थिति इस देश में बन गई थी। लेकिन उसी समय 46 में 1946-47-48 में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, चुने हुए लोग गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और इन सब परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने देश को किस प्रकार का संविधान दिया, एक किस प्रकार का संविधान जिस पर देश ने गर्व किया और आज भी गर्व कर रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन सब लोगों ने मिलकर बहुत सोच समझ कर एक एक क्लॉज संविधान का ड्राफ्ट किया, एक एक शब्द उसमें सावधानी के साथ रखा। और संविधान ने क्या दिया हमको? संविधान ने हमको दिया प्रजातंत्र, भारत का गणतंत्र उसी संविधान से हमको मिला, यूनिवर्सल सफरेज, हर व्यक्ति वोट दे सकता है वो हमको उससे मिला, फंडामेंटल राइट्स वो हमसे मिला उससे मिला, स्टेट्स के जो अधिकार हैं वो उससे हमको मिला, बहुत कुछ उस संविधान ने हमको दिया। कैसे हुआ ये सब? उस समय जो हमारा बहुत ही मैच्योर लीडरशिप था इस देश में उसने ये करके दिखाया, ये अचानक नहीं हुआ। मैं आपको बहुत सम्मान के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि उस समय का लीडरशिप अगर वो मैच्योरिटी नहीं दिखाता तो शायद हिंदुस्तान बिखर गया होता, लेकिन उन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई और इस प्रकार का संविधान दिया हमको जिसमें ये सब चीजें हमें मिली। आज जैसा यहां मंच से कहा गया वही संविधान खतरे में है, वही संविधान खतरे में है। और किससे खतरे में है? उन लोगों से खतरे में है जो आज हुकूमत में बैठे हैं, बाहरी लोगों से कोई खतरा नहीं है, खतरा है भीतर बैठे हुए लोगों से। मैं तो उसी भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य था, आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रहा, पार्टी में भी बहुत काम किया, लेकिन 2018 आते आते मुझे पार्टी छोड़ने पर विवश होना पड़ा। आई वॉज कंपेल्ड टू लीव द पार्टी। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि 4 वर्षों में इन्होंने बिल्कुल गलत रास्ता पकड़ लिया और आज जो कुछ हो रहा है इस देश में उसका अंदेशा मुझे उस समय था। और इसीलिए मैंने तय किया कि मैं उसके खिलाफ संघर्ष करूंगा। यहां पर नागरिकता का कानून एक बड़ा भारी मुद्दा बना हुआ है। सॉरी, आपके ऊपर थोप दिया गया। पूरे देश में इनकी मंशा थी कि वो CAA लागू करेंगे और NRC करेंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाएंगे। होम मिनिस्टर ने
लोकसभा में खड़े होकर वक्तव्य दिया और उसी समय मुंबई से जो गेटवे ऑफ इंडिया है, मुझे याद है शरद पवार जी आए थे मुझे विदा करने के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया से 9 जनवरी जिस दिन महात्मा गांधी लौट कर आए थे दक्षिण अफ्रीका से और वहीं लैंड किए थे गेटवे ऑफ इंडिया पर, वहां से मैंने एक यात्रा निकाली और हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए मैं 30 जनवरी को दिल्ली पहुंचा गांधी समाधि। और रास्ते भर जहां जहां मुझे मौका मिला मैंने नागरिकता कानून का विरोध किया, लोगों समझाया कि इसमें कितना गलत हो रहा है असम के साथ और कितना गलत हो रहा है बाकी देश के साथ। यहां तो उन्होंने थोप दिया उसको, लेकिन पूरे देश के ऊपर वो नागरिकता का कानून वो इसलिए नहीं लागू कर पाए, भले तो कहते रहे कि कोविड के बाद लागू करेंगे, कोविड के बाद लागू, तो कोविड खत्म हो गया, काफी कुछ सामान्य हो गया, अब भी लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जल्दीबाजी में बनाया हुआ बेवकूफी का कानून है, वो लागू हो ही नहीं सकता, उसके नियम कानून कायदे अब तक नहीं बने। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है, सारे सांसद यहां बैठे हैं, उस लॉ के बाद उसके नियम बनते हैं, रूल्स, उसका नोटिफिकेशन होता है तब वो लागू होता है। आज तक सीएए का कानून का नियम नहीं बना, इसलिए वो लागू नहीं है। और अगर किसी ने जरूरत की लागू करने की तो मैं यहां घोषणा करके जाना चाहता हूं कि हम लोग उसका जोरदार विरोध करेंगे। अगर मैं राष्ट्रपति भवन में हुआ तो उस कानून को मंजूरी नहीं दूंगा और अगर बाहर रहा तो हम उसका विरोध करते रहे। ये जनता के भविष्य के साथ, भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि संविधान और संविधान के प्रावधानों का, संविधान के मूल्यों के रक्षा के लिए आज हम सबको खड़ा होना है। और मैं आज यहां पर असम आया हूं, नॉर्थ ईस्ट के और राजधानियों में जाता लेकिन वक्त की कमी है, कई लोगों से बातचीत हुई जैसा यहां बताया गया, लेकिन मैं इतना वादा करके जाना चाहता हूं आपसे कि हर हालत में हम जल्दी ही आपके बीच में फिर आएंगे और हम लोग बैठ कर विचार करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। एक ऐसी सरकार जो बिना किसी अंकुश के काम कर रही है उसके ऊपर लगाम लगाना जरूरी है। अगर महीने भर पहले किसी ने मुझसे कहा होता कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो मैंने सोचा होता कि हंसी मजाक का मामला है, लेकिन जब सारे विपक्षी दलों ने लगभग दिल्ली में 2 दिन बैठकर विचार विमर्श किया और अंततः वो उन्होंने मेरे नाम को तय किया, मुझे याद है खड़गे साहब जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं उन्होंने फोन किया, शरद पवार साहब ने फोन किया, अब मुझसे कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आप विपक्ष के उम्मीदवार बने, साझा उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो मैं क्यों तैयार हो गया? मैं इसलिए तैयार हो गया कि ये जो संघर्ष है उस संघर्ष की एक ये कड़ी है, इट्स ए लिंक इन दैट चेन ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। और इसीलिए अगर मैं पूरे मुल्क में घूम घूम कर अपनी बात रख रहा हूं, जिन बातों को जनता तक पहुंचना चाहिए, जिन बातों को विधायकों और सांसदों को ध्यान में रखना चाहिए वोट देते समय, उन बातों को मैं रख रहा हूं,
अब मुझे मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जो सरकारी पक्ष की उम्मीदवार खड़ी है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, राज से नहीं, बहुत दिन से, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है झारखंड, उसकी वो 6 साल तक राज्यपाल थी, अक्सर मुलाकात बात होती रहती थी, बल्कि किसी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी चलाया, वो हमारे ही शहर में जो विश्वविद्यालय है उसका कॉन्वोकेशन हो रहा था, और उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, उनको मैंने ही आमंत्रित किया, कह पाइए कॉन्वोकेशन में और एड्रेस कीजिए, तो उन्होंने हमारी बात मानी, वो आए, ये गवर्नर थे राज्यपाल की, इनको तो आना ही था, मैं लोकल एमपी था, मैंने उनको इनवाइट किया था, तो मैं था, तो वो एक फोटो है जिसमें कि पूर्व राष्ट्रपति के साथ आज के राष्ट्रपति के दोनों उम्मीदवार इकट्ठे हैं, इसलिए वो शायद स्पेशल फोटो हो गए, चल रही है सोशल मीडिया पर। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि वो किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, कौन सी विचारधारा है, मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए नहीं जानता हूँ कि मैं जहां जाता हूं, अभी तक जहां जहां गया और देश के अनेक शहरों में गया, मैं हर जगह एक काम जरूर करता हूं एमएलए एमपी से मिलने के अलावा, वह है मीडिया इंटरेक्शन, मीडिया से जरूर मिलता हूं ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। वो आई थी ना गुवाहाटी, आई थी, यहां मीडिया इंटरेक्शन हुआ उनका, प्रेस के लोग बताएंगे आप, क्या उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, नहीं की ना, आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां जहां वो देश में गई हैं और मैं उनके पीछे पीछे गया, वहां मैंने पूछा कि क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो बताया गया कि नहीं, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो हम कैसे जाने कि व्हाट डज शी स्टैंड फॉर, ये पूरा देश जानना चाहता है कि व्हाट डज शी स्टैंड फॉर, वो बोलेंगी तब पता चलेगा, मैं बोलता हूं तो पता है कि लोगों को पता है कि व्हाट डू आई स्टैंड फॉर, अगर बोलेंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा, तो बोलती नहीं है। अब एक बड़ा प्रश्न है हमारे सामने, डू वी वॉन्ट ए साइलेंट प्रेसिडेंट इन राष्ट्रपति भवन, डू वी वॉन्ट ए रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट इन राष्ट्रपति भवन, क्या इस तरह आज की असाधारण परिस्थिति, इन द एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम्स इन विच वी आर लिविंग, विल सच ए प्रेसिडेंट फुलफिल हिज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वॉट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट दिस कंट्री इज फेसिंग टूडे, दैट बिगेस्ट चैलेंज इज to protect and preserve the constitution which our forefathers have given us. That is the biggest challenge. और वो कौन करेगा? पहला जो स्टेज है वो है राष्ट्रपति का, बाद में कोर्ट्स है, पहले स्टेज में राष्ट्रपति को करना चाहिए ना, अगर राष्ट्रपति रबर स्टैम्प बन जाएगा, अगर राष्ट्रपति कठपुतली बन जाएगा प्रधानमंत्री के हाथों में, तो कैसे इस फंक्शन को कर पाएगा, और इसलिए मुझे चिंता होती है, मुझे चिंता होती है कि अगर हमने सोच समझकर इस चुनाव में वोट नहीं दिया, अब वोट का क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति के चुनाव में संविधान के मुताबिक आप जानते हैं प्रावधान यह है कि देयर विल बी सीक्रेट बैलेट, हर एमपी एमएलए जाएगा सीक्रेटली अपने वोट को डालेगा,
एंड देयर इज नो व्हिप. किसी पार्टी को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने एमएलए एमपी को व्हिप जाहिर करे. तो हमारे संविधान के निर्माता तो बहुत वाइज लोग थे, उन्होंने क्यों इस प्रकार का प्रावधान किया? ऑब्वियसली बिकॉज दे वॉन्टेड एवरी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एवरी मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज टू एक्सरसाइज हिज माइंड, हिज और हर माइंड, एंड देन कास्ट द वोट. इफ देयर इज नो पार्टी व्हिप, देन व्हाई आर यू वरीड? नथिंग कैन बी डन. किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने किसको वोट दिया. आपका भी यह अधिकार नहीं बनता है कि आप बाहर निकल के बताएं हमने फला फला को वोट दिया. बट वी हैव टू गार्ड अगेंस्ट मैल प्रैक्टिसेस, इसलिए कि इसमें भी कुछ ऐसे माइंड्स हैं हु विल ट्राई एंड फाइंड अ वे आउट. इसलिए मैं अपने साथियों के यहां पर सावधान करना चाहता हूं कि जब यहां पर वोटिंग हो तो प्लीज बी वेरी वेरी वॉचफुल कि दुरुपयोग नहीं हो. सीक्रेट बैलेट, तो सीक्रेट बैलेट है. अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कॉन्शियंस के अनुसार वोट देना है. एंड आई एम कॉलिंग अपॉन ऑल इलेक्टर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज टू यूज देयर कॉन्शियंस. अपनी अंतरात्मा की आवाज कृपया सुनो इस चुनाव में. क्या हमारे राष्ट्रपति चुन जाने के बाद यह सरकार गिर जाएगी, भारत की जो सरकार है? नहीं, नहीं गिरेगी, वो चलती रहेगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी. लेकिन हमारे राष्ट्रपति चुने जाने के बाद एक दो चीजें बिल्कुल तुरंत होंगी. मेरे शपथ ग्रहण के दूसरे दिन एक तो सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है राजनेताओं के खिलाफ, वो रुक जाएगा. वो इसलिए नहीं रुक जाएगा कि मेरी कोई बड़ी शक्ति है, क्योंकि सब शक्ति के ऊपर एक जो शक्ति होती है वो होती है नैतिक शक्ति, मॉरल अथॉरिटी. और उस मॉरल अथॉरिटी का उपयोग करके मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इनका दुरुपयोग नहीं हो, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो. अभी आप देख रहे हैं सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का केवल ये मतलब नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ आपने केस कर दिया. इनका दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं इस देश में. मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार इन्होंने गिरा दी, कर्नाटका की सरकार इन्होंने गिरा दी, मेघालय की सरकार इन्होंने गिरा दी, गोवा की सरकार इन्होंने गिरा दी, अभी महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने गिरा दी. महाराष्ट्र में जो शिवसेना के विधायक थे उनको इकट्ठा करके कहां लाया गया? आपके प्रदेश में. यहां पर बहुत दिनों तक वो रुके. क्यों? क्यों किसी ऐसे प्रदेश में नहीं गए जहां जो भाजपा शासित नहीं था? क्योंकि उनको यहां से पूरी मदद की उम्मीद थी और वो मदद उनको मिली. इसलिए जब ऐसा वाक्या होता है तो एमएलएस को वो दे हर्ड देम लाइक कैटल एंड टेक देम टू अ सेफ प्लेस विच इज जनरली ए बीजेपी रूल्ड स्टेट. ये सब ईडी का खेल है. और इसीलिए आज अगर मैं लड़ रहा हूं राष्ट्रपति का चुनाव तो मैं साफ शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं कि आई एम नॉट ओनली फाइटिंग अगेंस्ट ए पॉलिटिकल पार्टी और इट्स कैंडिडेट, आई एम फाइटिंग द माइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
that whole might is being used to ensure that somehow I don't win. और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो इसी का एक उदाहरण है. एंड फाइनली द कैट इज आउट ऑफ द बैग बिकॉज शिवसेना हैज बीन फोर्स्ड, उद्धव ठाकरे हैज बीन फोर्स्ड टू मेक ए स्टेटमेंट कि वो एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे. क्या हमारे देश में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज के दिन, प्रजातंत्र इसी तरह चलेगा? क्या इसी तरह मनी पावर का, इसी तरह सरकारी पावर का दुरुपयोग होता रहेगा और हम चुपचाप खामोशी से उसको देखते जाएंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और पूरी शक्ति से इसको रोकने का प्रयास करूंगा. इसीलिए मित्रों, इसीलिए ये चुनाव एक असाधारण चुनाव हो गया है. इसीलिए इस चुनाव में देर इज मच मोर एट स्टेक देन मेयरली द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और आप चुन लीजिए एक ऐसे व्यक्ति को जो कभी माइंड अप्लाई ही नहीं करेगा, जो सरकार कहेगी उसको सही मान लेंगे, तो फिर आने वाले दिन और भी भयानक होंगे. आई एम श्योर वी डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन. और इसीलिए मैं आपसे टोल कॉलेज, ये तो 18 तारीख को चुनाव हो जाएगा, लेकिन दिस इश्यू विल रिमेन एंड इट्स आर नेशनल ड्यूटी, इट्स आर पायस ड्यूटी टू स्टैंड अप एंड फाइट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, to protect it, to preserve it, to safeguard it. That is the challenge, ladies and gentlemen. And I'm quite sure the Northeast, the entire Northeast, not only Assam, but all the others, people in all those states will rise on this occasion and say, this is not on. Thus, this far and no further. That will be the real victory in this election. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, और ये आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से यहाँ से हमारा जो संदेश है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाएगा. दुर्भाग्य से मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं चाहकर भी उन सब राजधानियों में जाऊं जहां मेरा जाने का मन था. इसीलिए आपके माध्यम से हम वहां के लोगों को भी संबोधित कर रहे हैं. इस मीडिया इंटरेक्शन के बाद हम आपको एक लिखित स्टेटमेंट देंगे जो हमारी ओर से मीडिया के लिए यहाँ गुवाहाटी से जारी हो रहा है. लेकिन अभी आपने सुना कि मुख्य रूप से MLAs, MPs और बाकी लोगों की जो बैठक हुई इस हॉल में, उसमें मैंने अपनी बात कही है. और मुख्य रूप से ये बात कही है कि ये चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव बहुत असाधारण परिस्थितियों में हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल जो आज देश के सामने है वो ये है कि क्या हम अपने संविधान की रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि संविधान के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है वो और किसी के द्वारा नहीं बल्कि सरकारी पक्ष और सरकार के द्वारा हो रहा है. इसीलिए बहुत कठिन परिस्थिति है, और इस कठिन परिस्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव जो है
वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर हमारे जो कांग्रेस और अन्य दलों के साथियों ने अपना सपोर्ट हमको दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि देश की परिस्थिति को देखते हुए और संविधान की व्यवस्था को देखते हुए आज ये आवश्यक हो गया है कि हर एमपी और एमएलए अपने विवेक का उपयोग करे, अपने अंतरात्मा की आवाज सुने और उसको सुनते हुए उसको मानते हुए अपने मत का प्रयोग करें। इस चुनाव में राजनीतिक दल कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वोट है, मतदान है, वो सीक्रेट है। तो सीक्रेट वोटिंग है लेकिन व्हिप नहीं है, और इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने ये व्यवस्था की कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एमपीज और एमएलएज हैं, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आज मैं उसी स्पिरिट को यहाँ पर इन्वोक कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन मुझे यहाँ पर व्यक्त करके दिया है, उसके अलावा बाकी जो लोग हैं इस राज्य में और नॉर्थ ईस्ट में, वो भी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने मत का प्रयोग मेरे लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ममता बनर्जी द्रौपदी मुर्मू के बारे में सॉफ्ट है, शिवसेना भी द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जहां तक शिवसेना का सवाल है तो आप जानते हैं कि वो पार्टी टूट गई थी, उनकी अपनी मजबूरी है, उस मजबूरी में उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार की तोड़फोड़ जो हो रही है वो भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके भारत सरकार कई लोगों के लिए एक परिस्थिति पैदा कर रही है जिसमें कि वो विवश हो जाएं, कंपेल हो जाएं अपना वोट उनको देने के लिए। जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, मैं आपसे स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ कि बंगाल से न केवल टीएमसी का बल्कि और भी बहुत दलों का हमको समर्थन मिलेगा इस चुनाव में। But the opposition's unity is visibly falling apart. If we look at Jharkhand Mukti Morcha, the TDP, everyone has come out openly in support of Mrs. Mumu. Look, the opposition parties had got together in Delhi, as I mentioned, twice. Then they had some informal meetings. Jharkhand Mukti Morcha was a part of that. They have not yet said that they are either here or there. That is the stage. But they were part of the meeting. As far as which party did you name? TDP is concerned, they were not invited to the meeting. I did not organize the meeting. I did not know why they were not invited, but I am not surprised that they have decided the way they have decided. But let me tell you that this is a fight. This is a fight, and I am in this fight with all the determination which is needed. आम आदमी पार्टी समय आने पर अपना अपने पत्ते खोले। अब तक साइलेंट है। हाँ, साइलेंट है, मैं भी जानता हूँ। सर, आपने जिस लड़ाई की बात की उससे पहले भी जो अपोजिशन के जो दल है, छोटे बड़े जो भी दल है, वो अलग हो रहा है, ऐसे में लगता है कि आपकी जो लड़ाई है मंजिल तक पहुँच पाएगी? अभी मैंने ये इसका सवाल का जवाब दिया। देखिए, जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में जितने दल थे उसमें से एक ही दल है जो कि अभी अलग थलग नजर आ रहा है, और वह है शिवसेना। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि तेलंगाना राष्ट्र समिति विपक्ष की उस बैठक में नहीं थी, लेकिन अगर मेरा भव्य स्वागत हुआ कहीं पर तो हैदराबाद में हुआ, और
केसी रामाराव जो उसके हेड हैं और चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया। That if ever that law came back to Rashtrapati Bhavan, I will find it difficult to approve. अब वो क्या आरोप है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज मैं उनके विधायकों से मिला और उन सब लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है, अश्योरेंस दिया है कि वो मेरे लिए वोट करेंगे।